अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नौमान गफार आवान। आज हम गर्दन दर्द से मुतालिक बात करेंगे। हमारे पास क्लिनिक पे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो अपनी गर्दन में दर्द की शिकायत करते हैं और उनको वो दर्द अपने बाजू में ट्रैवल करती महसूस होती है। फिजिकल असेसमेंट के साथ साथ हम जब इस तरह के पेशेंट्स के रेडियोग्राफ्स करवाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस नज़र आते हैं। स्ट्रक्चर्स और गर्दन दर्द के हवाले से एनाटॉमी को समझना ज़रूरी है। इस हवाले से हमने यहाँ पर स्केलेटन के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद गर्दन दर्द के इलाज की हम बात करेंगे कि इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है और बेहतरीन तरीका इलाज कौन सा होता है। गर्दन के एनाटॉमी को समझने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें कुछ खम रखे हैं, कुछ कर्व्स पाई जाती हैं। हमारी जो गर्दन के मोहरे हैं ये थोड़े से आगे की तरफ को होते हैं, हमारे जो सीने के मोहरे हैं, जो हमारी थोरेसिक स्पाइन है, वो पीछे की तरफ को कर्व होती है। फिर लंबर स्पाइन की बात करते हैं, इसमें कर्व आगे की तरफ को होती है, सैक्रम में फिर ये कर्व पीछे की तरफ आ जाती है। अगर ये कर्व नॉर्मल से ज़्यादा हो तब भी प्रॉब्लम होगी और कर्व नॉर्मल से कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम होगी। आज ख़ास तौर पर हम सर्वाइकल स्पाइन की बात करेंगे। जो गर्दन के मोहरे हैं इनमें नेचुरल जो कर्व पाई जाती है उसे हम कनकेव कर्व कहते हैं और कनकेव कर्व में पीछे की तरफ को एक खम मौजूद होता है। अगर ये खम कम होता चला जाए तो इसे हम स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन का नाम देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक्सरे देख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए थे तो उनके हमने एक्सरे शेयर किए हैं आपसे। यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो हमारी जो नॉर्मल स्पाइन है, जो गर्दन के मोहरे हैं, वो एक तो स्लिप हैं और मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करता जाऊँगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ वर्टिब्रा वो बैक साइड हैं अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट से और इसमें आपको ख़ास तौर पर स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपकी स्क्रीन पर नॉर्मल एक्सरे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ में कंपैरिजन में जो के पेशेंट का एक्सरे है वो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्पाइन और साथ में जो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है उसमें कितना डिफरेंस है। इसके साथ साथ पेशेंट को इन मोहरों की वजह से स्टिनोसिस होना शुरू हो जाती है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा हराम मगज़ है, ये यहाँ पर कैनाल, जिसे हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं, आप अगर यहाँ पर देख सके तो ये पीला स्ट्रक्चर, इसके अंदर दबाव आना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारे जो गर्दन के मोहरे हैं उसमें आगे की तरफ कुछ सुराख होते हैं जिसे हम फोरामिनास कहते हैं और वहाँ पर भी पेशेंट को ये प्रेशर आता है। और जहाँ पर जिस एरिया में पेशेंट की नस दबती महसूस होगी, जहाँ पर उसको नर्व का कंप्रेशन आएगा, उसके मुताबिक उसको राइट या लेफ्ट साइड पे अपने पूरे बाजू में एक तेज़ दर्द ट्रैवल करती महसूस होगी। पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जब इतनी सिवियरिटी आ जाती है तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। हमने इस तरह के पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करना होता है वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक, उसके जेंडर के मुताबिक और साथ साथ उसके ऑक्यूपेशन या उसके कामकाज की नौइयत के मुताबिक हम डिज़ाइन करते हैं। पेशेंट को जब इस तरह नर्व कंप्रेस महसूस होती है, मसल्स उसके स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ाव में चले जाते हैं, इस पूरे एरिया में उसे शदीद दर्द होती है, इसके साथ साथ उसको अपने कंधों में दर्द ट्रैवल करती महसूस होती है। पेशेंट की असेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ये बात पता चलती है कि प्रॉब्लम किस लेवल पे है और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि फिजियोथेरेपी सेफेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। कुछ मोडेलिटीज़ इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें हम मशीनों का इस्तेमाल कहते हैं और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर पेशेंट को हम एक्सरसाइजेज करवाते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होम प्लान एक्सरसाइजेज होती हैं। आपको हमारे चैनल पर गर्दन दर्द के हवाले से बहुत सी होम प्लान एक्सरसाइजेज की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात वो ये कि एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथों के साथ मरीज़ का इलाज करते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मोहरे पीछे की तरफ दबाव डाल रहे होते हैं, तो हम अपने हाथों के साथ स्पेसिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उनके वर्टिब्राज को, उनकी अलाइनमेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे पेशेंट का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पे आके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पर रابطہ करके आप हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।